नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का इतिहास। दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसका पार्ट एक रहेगा। दोस्तों आज हम हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पढ़ेंगे। दोस्तों इससे काफी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही करना था दोस्तों, हरियाणा का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? तो दोस्तों हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से शुरू हुआ है। दोस्तों हरियाणा का इतिहास कहाँ से माना गया? दोस्तों हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से ही माना गया है। हरियाणा का इतिहास कौन से काल से माना गया है? हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से माना गया है। उसके बाद आगे आता है कि हरियाणा की वैदिक भूमि को क्या कहा जाता है? हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, हरियाणा शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ मिला था? हरियाणा शब्द का उल्लेख पहली बार मिला था दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ मिला दोस्तों? मिला दोस्तों ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम मिलता है? रज हरियाणी। लेकिन ग्रंथ है उसके अनुसार क्या है? हरियाणा के 3 नाम बताए गए हैं। मनुस्मृति हमारा एक ग्रंथ है। इसके अनुसार हरियाणा के 3 प्राचीन नाम हैं। हरियाणा के कितने नाम हैं? 3। कौन से हैं? सबसे पहला है बर्मावत। कौन सा रहेगा दोस्तों? वो रहेगा दोस्तों बर्मावत। दूसरा रहेगा ब्रह्म ऋषि का प्रदेश। कौन सा रहेगा? मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा के 3 नाम बर्मावत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश। और तीसरा रहेगा बर्मा की उत्तर वेदिका। कौन सा रहेगा? बर्मा की उत्तर वेदिका। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा के 3 नाम बताए गए हैं। सबसे प्राचीन नाम बर्मावत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और बर्मा की उत्तर वेदिका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरियाणा का प्रादेशिक नाम मनुस्मृति के अनुसार 3 भागों में बताया गया है, बर्मावत, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और बर्मा की उत्तर वेदिका। उसके बाद आता है दोस्तों वैदिक काल के समय हरियाणा किन 2 नदियों के बीच में स्थित था? वैदिक काल के समय हरियाणा किन नदियों के बीच में था? किन नदियों के बीच था? वो था दोस्तों सरस्वती और दशरथी नदी के बीच। कौन सी नदी में था दोस्तों? सरस्वती और दशरथी नदी का वर्तमान में नाम है चौटान नदी। सरस्वती और दशरथी चौटान नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा दशरथी नदी। कौन सी नदी? दशरथी नदी। ऋग्वेद की भी 2 प्राचीन नदियां बताई हुई भी रहेंगी दोस्तों, सरस्वती और दशरथी। और वैदिक काल की भी 2 प्रमुख नदियां हैं सरस्वती और दशरथी। वर्तमान में फतेहाबाद जिले का बनावली शहर भी सरस्वती नदी के किनारे है। हड़प्पाकालीन सभ्यता है दोस्तों बनावली। बनावली भी कहाँ पर रहेगा? बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन सत्र और सबसे प्रमुख सत्र है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर रहेगा? राखीगढ़ी था दशरथी जिले में दशरथी नदी के किनारे।
जब उसे अड़प्पा सभ्य असल से पहले किस नदी के किनारे विकसित हुई थी वैसी दस करोड़ी नदी के किनारे कहाँ पे था ये था वो तो राष्ट्रीय गढ़ी के किनारे। उसके बाद आ गया दोस्तों आर्यों की आगमन की भूमि। आर्यों के आगमन की भूमि माना गया है हरियाणा और पंजाब को। सबसे पहले जो आर्य आए थे वे आए थे हरियाणा और पंजाब में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद आ गया था महाभारत काल में हरियाणा। कहाँ पे महाभारत काल में हरियाणा महाभारत। और महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बाण भट्ट के अनुसार महाभारत का जो युद्ध था बाण भट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3100 से 3200 ईसा पूर्व लड़ा गया था। 3100 से 3200 ईसा पूर्व लड़ा गया था। लेकिन HSSC के अनुसार महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था लेकिन HSSC के अनुसार महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था ये लड़ा गया था दोस्तों 900 ईसा पूर्व। उसके बाद महाभारत की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे आता है दोस्तों महाभारत का युद्ध किस में हुआ था। महाभारत का युद्ध आप सबको पता दोस्तों महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। उसके बाद आगे ये है कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध चला था ये कितने दिन चला था। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था दोस्तों 18 दिन। युद्ध कितने दिन चला 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला जिसमें 18 ही जो सैनिक थे युद्ध खत्म होने के बाद जीवित बचे। उसके बाद आगे पूछा गया था कि महाभारत का पुराना नाम क्या होता था। तो महाभारत का पुराना नाम होता था दोस्तों जय सहिता। एक बार ये भी पूछा गया था कि महाभारत का पुराना नाम जय सहिता कब होता था। जब महाभारत के अंदर 8800 श्लोक होते थे। कितने श्लोक होते थे 8800 श्लोक होते थे। उस समय महाभारत का मूल नाम था जय सहिता। क्या नाम था जय सहिता। लेकिन जब इसमें 1,000,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या कर दिया 1,000,000 श्लोक होने के बाद इसका नाम रख दिया गया महाभारत। क्या कर दिया महाभारत। 8800 श्लोक होने के समय इसका नाम था जय सहिता लेकिन 1,000,000 श्लोक होने के बाद इसका नाम रख दिया महाभारत। उसके बाद आगे ये प्रश्न आता है कि दोस्तों उसके बाद ये पूछा गया था कि दोस्तों महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत में हरियाणा को दोस्तों बहुत धान्य के नाम से बहुत धान्य का मतलब धान्य की उत्पत्ति होती हो। वह स्थान जहाँ सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन जहाँ पे बहुत ज्यादा धान्य होता हो उसे कहा जाता है बहुधान्य। महाभारत काल में हरियाणा किसान ज्यादा था दोस्तों बहुधान्य थे। उसके बाद आगे ये प्रश्न भी पूछा जाते हैं दोस्तों महाभारत के समय हरियाणा में एक युग का प्रारंभ हुआ था। कौन से युग का प्रारंभ हुआ था महाभारत के समय में हरियाणा में दोस्तों कृषि युग का प्रारंभ हुआ था। कौन से युग का प्रारंभ हुआ था काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महाभारत के समय हरियाणा में कौन से युग का प्रारंभ हुआ था। एक और प्रश्न पूछा जाएगा तो महाभारत के 13वें दिन की घटना परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। महाभारत के 13वें दिन क्या हुआ था। महाभारत के 13वें दिन अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु को मृत्यु कौरवों के द्वारा की गई थी। 13वें दिन क्या हुआ था अभिमन्यु की मृत्यु कब हुई थी। ये हुई थी महाभारत युद्ध के 13वें दिन किसने की थी तभी कौरवों ने मिलकर चक्रव्यूह के द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद ये भी पूछा जाता है दोस्तों अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अभिमन्यु की मृत्यु दोस्तों आमीन गांव कुरुक्षेत्र आमीन गांव
कुरुक्षेत्र, कहाँ पर आमिन गाँव कुरुक्षेत्र। लेकिन वर्तमान में हरियाणा सरकार ने आमिन गाँव का नाम बदल कर दिया है अभिमन्युपुर, क्या कर दिया है आमिन गाँव का नाम बदल कर दिया है अभिमन्युपुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, महाभारत की रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा, और महाभारत के द्वारा कहा दोस्तों 900 ईसा पूर्व ऋषि रचना किसके द्वारा की गई थी, इसकी रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। लेकिन एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जो ये महाभारत की रचना तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका लेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था, इसका लेखन कार्य श्री गणेश के द्वारा किया गया था। लेकिन लेखन कार्य किसके द्वारा किया था, लेखन कार्य श्री गणेश के द्वारा, गणेश के द्वारा महाभारत लिखी गई थी और रचना इसकी महर्षि वेदव्यास ने की थी। एक बार ये भी पूछा गया था कि इसकी रचना कौन सी नदी के किनारे की गई थी, इसकी रचना सरस्वती नदी के किनारे की गई थी, कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। उसके बाद एक बार ये भी पूछा गया था कि दोस्तों महाभारत की रचना स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत की रचना स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत की रचना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत की रचना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, किसने की थी दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत की रचना की थी। और इस समय हरियाणा में कृषि युग का प्रारंभ हुआ था, हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था और महाभारत का मूल नाम जय सहिता होता था। तो ये दोस्तों महाभारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनसे काफी बार परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे है दोस्तों गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने कौन से सरोवर के पास में दिया था गीता का उपदेश, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब तीसर सरोवर के पास निकट दिया था, कौन से सरोवर के निकट दिया था, जगतीसर सरोवर के पास, कौन से सरोवर के पास, जगतीसर सरोवर के निकट गीता का उपदेश दिया था। एक बार ये भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, किस वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था, तो ये दिया था दोस्तों वट वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे दिया था दोस्तों, वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे ये दोस्तों ये उपदेश सरस्वती नदी के किनारे दिया गया था। उसके बाद आगे ये पूछा गया था, उसके बाद आगे सिंधु घाटी सभ्यता जो आगे बढ़ते दोस्तों, उसके बाद आगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा के दो प्रमुख स्थल हैं, वे रहेंगे दोस्तों हमारे राखीगढ़ी और बनावली, कौन से रहेंगे दोस्तों, राखीगढ़ी और बनावली। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी, दूसरा रहेगा बनावली। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य प्रधान सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष गुजरात से मिले हैं, लोथल धोलावीरा आदि जगह से सबसे ज्यादा अवशेष गुजरात से मिले हैं। तो राखीगढ़ी से हरियाणा में सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं और बनावली से मिट्टी का हल भी प्राप्त हुआ है, बनावली जगह हमारा फरीदाबाद जिले, फतेहाबाद जिले में, कौन से जिले में रहेगा दोस्तों, फतेहाबाद, और राखीगढ़ी रहेगा हमारा इशार में, कहाँ पर रहेगा साथियों, रहेगा दोस्तों इशार जिले में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की खुदाई का कार्य अमरेंद्र नाथ ने, खुदाई किसने करवाई थी दोस्तों, इसका खुदाई कार्य हुआ था अमरेंद्र नाथ ने, अमरेंद्र नाथ। एक बार ये पूछा गया था कि बनावली का खुदाई कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, बनावली का खुदाई कार्य 1972-73 में आर एस बिस्ट के द्वारा करवाया गया था, इसके द्वारा आर एस बिस्ट के द्वारा हरियाणा में बनावली में खुदाई कार्य करवाया गया था। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे ये है कि दोस्तों उसके बाद आगे है आज़ादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आज़ादी के बाद सिंधु सभ्यता के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं साथियों गुजरात से,
आधार के वाचन दुबारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं दोस्तों गुजरात के, गुजरात के लोग थल हो गया, धुला वगैरह हो गया, यानी कि मात्र भोगवा नदी के किनारे काफ़ी अवशेष मिले हैं। उसके बाद आ गया था दोस्तों बौद्ध काल में हरियाणा, कहाँ का दोस्तों बौद्ध काल में हरियाणा, बौद्ध काल में हरियाणा, बौद्ध काल में हरियाणा, बहुत के समय में हरियाणा दो महाद्वीपों में बटा हुआ था, लेकिन बहुत समय में हरियाणा पूरे हमारे देश में कितने जनपद होते थे दोस्तों, देश में 16 जनपद होते थे, देश में कुल जनपद देश में कितने जनपद होते थे, 16 जनपद होते थे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हम मगध, मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, सबसे शक्तिशाली जनपद पाटलिपुत्र। लेकिन एक बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों बौद्ध के समय में हरियाणा कितने जनपदों में बटा हुआ था, बौद्ध काल के समय हरियाणा दो महाजनपदों में बटा हुआ था, वे थे दोस्तों पूर्व और पांचाल, कौन से थे, बौद्ध के समय में हरियाणा कितने महाजनपदों में बटा हुआ था, बौद्ध के समय में हरियाणा, बौद्ध के समय में हरियाणा, बौद्ध के समय में हरियाणा दो जनपदों में बटा हुआ था, कितने जनपदों में बटा हुआ था दोस्तों, दो जनपद वे कौन से थे, वे थे दोस्तों पूर्व और पांचाल, कौन से थे, पूर्व, पूर्व और पांचाल, पूर्व और पांचाल, जो पूर्व होता था इसकी राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, पूर्व की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, 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 पूर्व की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि आधुनिक जो दिल्ली है, दिल्ली को दिल्ली का एक प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आ गया था दोस्तों, उसके बाद आगे उठेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे ये पूछा पूछा गया था कि दोस्तों, उसके बाद आगे था बौद्ध काल में हरियाणा के बाद आता है मौर्य काल में हरियाणा, क्या आता है साथियों, मौर्य काल में हरियाणा, मौर्य काल, मौर्य काल में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई दोस्तों, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मौर्य काल में हरियाणा जिसकी मौर्य साम्राज्य स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का खात्मा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने याद रखा दोस्तों नंद वंश का खात्मा करके, कौन से वंश का खात्मा करके, नंद वंश का खात्मा करके, नंद वंश का खात्मा करके इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, नंद वंश में सबसे पहले शासक कौन होते, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों महापद्मानंद, कौन था दोस्तों महापद्मानंद, महापद्मानंद। ये थोड़ा नेशनल जी फ्लैग होते रहेगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का खात्मा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, नंद वंश का सबसे पहले शासक था, सबसे शासन स्थापक था महापद्मानंद, और अंतिम शासक पूछा जाता है, अंतिम शासक था दोस्तों भगवानंद, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, तो रखी थी दोस्तों भगवानंद। और एक बार ये भी पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता से नंद वंश का खात्मा किया था, तो दोस्तों ये रहेगा तो चाणक्य की सहायता, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य की पुस्तक रहेगी, चाणक्य की पुस्तक का नाम रहेगा अर्थशास्त्र, क्या रहेगा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी चाणक्य का एक दूसरा नाम, कौटिल्य भी चाणक्य से भी कहा जाता है, चाणक्य की कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों अर्थशास्त्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे आता है दोस्तों हमारा
मौर्य काल में हरियाणा पड़े दोस्तों, मौर्य काल में हरियाणा मौर्य साम्राज्य शर्मा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा करके 323 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और एक बार ये बता रहे दोस्तों, ये समझिए किसकी मदद से उन्होंने नंद वंश का खात्मा किया था, किसकी मदद, चाणक्य की मदद से नंद वंश का खात्मा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनका एक बात शासनकाल देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहेगा 323 से 298 ईसा पूर्व। इसके बाद दोस्तों इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार ने दोस्तों काफी कुछ समय तक आगे बढ़ाया। बिंदुसार का शासनकाल रहेगा 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार का शासनकाल रहेगा। बिंदुसार के बाद आगे बढ़ते, उसके बाद आगे रहता है दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश किन किन शासकों के अधीन हरियाणा रहा है, एक बार ये प्रश्न आ रहा है तो हरियाणा मौर्य वंश किन किन शासकों के अधीन रहा था, तो दोस्तों इसके बाद एक बच्चा पुत्र रहा था दोस्तों बिंद अशोक, अशोक का शासनकाल रहेगा 232 ईसा पूर्व। एक बार ये पूछा जा रहा था कि इसका पूर्व शासनकाल होता दोस्तों 323 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा था। बाद में कुछ शासक आए लेकिन जो प्रमुख शासक थे मौर्य वंश के वे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। लेकिन एक बार ये पूछा जाता है दोस्तों हमारे हरियाणा से रिलेटेड ये है कि मौर्य काल में हरियाणा किन किन शासकों के अधीन रहा था, तो ये तीनों शासक थे दोस्तों जिस हरियाणा मौर्य काल में अधीन था, यानी मौर्य काल में हरियाणा किन किन शासकों के अधीन रहा था, और ऑप्शन थे दोस्तों सबसे पहला था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा ऑप्शन था बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन था अशोक। और चौथा ऑप्शन था दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों हरियाणा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों के अधीन रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते दोस्तों, उसके बाद आगे आता है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद आगे दोस्तों मित्ताथल। मित्ताथल भिवानी जिले का एक गांव रहेगा दोस्तों। ये गांव पे दोस्तों सबसे पहले सोने एवं तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, सोने एवं तांबे के सिक्के। ये भी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था दोस्तों, उस समय मौर्य काल के दौरान सोने एवं तांबे के सिक्के मित्ताथल से प्राप्त हुए थे। सोने एवं तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे, ये मिले थे हमें मित्ताथल से। ये पूछा गया था कि सोने एवं तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो सोने एवं तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, सोने एवं तांबे के सिक्के सबसे पहले चलाए दोस्तों किसने, कुषाणों ने किसने चलाए थे। सोने एवं तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, कुषाणों ने सबसे पहले जिनकी तांबे एवं सोने एवं तांबे के सिक्के को गिरी थी कुषाणों ने। लेकिन दोस्तों एक बार आगे पूछा गया तो चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे और सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाण ने। उसके बाद आगे यह आता है दोस्तों गुप्तकालीन मुद्रा। इसी के बाद आता है गुप्तकालीन मुद्रा हरियाणा में दो भागों में डिवाइड थी। गुप्तकालीन मुद्रा हरियाणा में दो भागों में डिवाइड थी। वे थे दोस्तों एक था दिनार और दूसरा था रुपये। कौन सा था, एक था दिनार और दूसरा था रुपये। दिनार और रुपये, जो दिनार होती थी ये तो सोने की बनी होती थी और जो रुपये है ये चांदी की बनी होती थी। तो दिनार है किसकी बनी होती थी, दिनार बनी थी दोस्तों सोने की। दिनार सोने की और रुपये का बनी होती थी चांदी की। किसकी, चांदी की।
जो कुछ काल में मुद्रा दिनार तो सोने की थी और रुपये थी चांदी की कड़ी होती थी। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि ये गुप्तकालीन मुद्रा हरियाणा के किस जिले में मिली है। गुप्तकालीन मुद्रा सबसे पहले हरियाणा के रोहतक जिले में मिली है। कौन से जिले में मिली दोस्तों? सबसे पहले ये मिली थी दोस्तों रोहतक जिले में। उसके बाद एक बार ये भी पूछा गया था तो हरियाणा में गुप्तकालीन मुद्रा में सबसे ज्यादा कौन सी मुद्रा प्रचलित हुई है? तो सोने की मुद्रा सबसे ज्यादा मिली है। तो गुप्तकालीन मुद्रा में सोने की मुद्रा सबसे ज्यादा यही प्रचलित हुई। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी होती? सोने की मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित हुई थी दोस्तों सोने की मुद्रा। उसके बाद आगे आता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आगे है दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और धनुष मौर्य साम्राज्य के बाद आगे आता है हमारा धनुष। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों वर्तमान वर्तमान का दूसरा नाम है पुष्य भूति वंश। क्या है? दूसरा नाम पुष्य भूति वंश। एक बार ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी पुष्य भूति ने। किसने की थी? पुष्य भूति, पुष्य भूति। लेकिन इस वंश में आगे चल के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनका नाम था दोस्तों प्रभाकर गोत्र। सबसे प्रतापी राजा हुए प्रभाकर गोत्र। प्रभाकर वर्धन की तीन संतानें थी दोस्तों। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन। क्या था? राज्यवर्धन। और बेटी थी एक, उसका नाम था राज्यश्री। और एक तीसरे थे दोस्तों हर्षवर्धन। ये तीन संतान थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन की। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। राज्यवर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों एक बार ये पूछा गया था कि जो हर्षवर्धन है उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन बढ़े दोस्तों। राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? राज्यवर्धन की मृत्यु दोस्तों 606 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक में कब हुआ था? 606 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद ये पूछा गया दोस्तों जो हर्षवर्धन है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म हुआ था दोस्तों 590 ईसा पूर्व। 590 ईसा पूर्व और 606 ईसा पूर्व में ये राजा बन गया था। तो दोस्तों ये 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। ये 16 वर्ष की उम्र में राजा बनने वाला शासक कौन था? वो था हर्षवर्धन। 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। 16 वर्ष की उम्र में राजा कौन बन गया था? ये बन गया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से काफी क्वेश्चन कई बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाई थी दोस्तों हमारी दूसरी राजधानी कौन सी थी कन्नौज। और पहली राजधानी थी हमारी थानेसर। उसके बाद एक बार ये पूछा गया था कि दोस्तों इसका जो राज्याभिषेक हुआ था कौन सी शताब्दी में हुआ था? और ऑप्शन थे दोस्तों 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं और 9वीं शताब्दी। लेकिन दोस्तों इसका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों हमारा 7वीं शताब्दी में। जैसे 1 से 100 तक पहली ईस्वी, 100 से 200 दूसरी, और 200 से 300 तीसरी, और 300 से 400 चौथी, और 400 से 500 पाँचवीं, और 500 से 600 छठी, और 600 से 700 देखोगे 600 605 में 600 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में इसका एक दरबारी कवि था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। इसका क्या नाम था? उसका नाम था बाण भट्ट। क्या था? बाण भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि था बाण भट्ट। ने दो पुस्तक लिखी थी जिनके नाम है बाण भट्ट की दो रचना रहेगी जो कि अरश्चरित और कादंबरी। कौन सी है? अरश्चरित और कादंबरी। एक बार ये पूछा गया था कि बाण भट्ट की अरश्चरित में हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है? तो बाण भट्ट के चरित्र में हरियाणा के थानेसर जिले का वर्णन मिलता है।
कौन सी जगह वर्ण मिलता है, हरियाणा के कानसर का वर्ण मिलता है। उसके बाद आगे ये पूछा जाता है दोस्तों, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की भी तीन नाटक थे, हर्षवर्धन के तीन प्रमुख नाटक थे, हर्षवर्धन के तीन नाटक, हर्षवर्धन के तीन प्रमुख नाटक, इनमें से प्रत्येक बार हर परीक्षा में एक ना एक नाटक, हर्षवर्धन के तीन प्रमुख नाटक थे। सबसे पहला था हमारा नागानंद, कौन सा था दोस्तों, नागानंद, नागानंद। और दूसरा रहेगा प्रियदर्शिका, कौन सा रहेगा, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और तीसरा रहेगा हमारा रत्नावली, कौन सा रहेगा, रत्नावली। सबसे हर्षवर्धन के तीन प्रमुख नाटक जो हर बार परीक्षा में पूछा जाते हैं, पहला नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसका दरबारी कविता था बाण भट्ट, बाण भट्ट की चरित्र किताब में हरियाणा के थानेसर का वर्णन मिलता है। चरित्र की दूसरी पुस्तक थी कादंबरी, कादंबरी हरियाणा का पहला उपन्यास माना गया है। पहला उपन्यास कौन सा रहेगा, पहला उपन्यास रहेगा कादंबरी। उसके बाद आगे हर्षवर्धन के तीन प्रमुख नाटक थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। उसके बाद एक प्रश्न दिया था परीक्षा में कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था, वो कौन था, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था, वो था मित्र अवेश्वर, कौन था चीनी यात्री अवेश्वर, किसके समय में भारत आया, चीनी यात्री अवेश्वर, अवेश्वर। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री अवेश्वर भारत में आया था, और ये भारत में कब आया था, ये भारत में आया था 629 ईस्वी में। लेकिन हरियाणा में, हरियाणा में एक परीक्षा में बताया जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री अवेश्वर भारत हरियाणा में कब से कब तक आया और कब से कब तक रहा था, तो ये हरियाणा में रहा था 634 से 644 ईस्वी पूर्व तक ये हरियाणा में शासन किया। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि अवेश्वर ने लगभग कितने वर्षों तक हरियाणा में रहा था, यानी 634 से 644 लगभग 10 वर्ष अवेश्वर, चीनी यात्री अवेश्वर लगभग 10 वर्ष तक हरियाणा में रहा था। इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, हर्षवर्धन के अवेश्वर की एक पुस्तक रहेगी जिसका नाम रहेगा सीयोगी, हर्षवर्धन की पुस्तक का क्या नाम रहेगा, सीयोगी। सीयोगी में इसने हरियाणा के किस स्थान का वर्णन किया है, इसने सीयोगी में हरियाणा की, अवेश्वर की सीयोगी में हरियाणा के थानेसर जिले का वर्णन मिलता है, अवेश्वर की सीयोगी में हरियाणा के थानेसर जिले का, थानेसर जगह का वर्णन मिलता है। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, इसी सीयोगी जो हर्षवर्धन था इसे हरियाणा का शिलादित्य व सम्राट भी कहा जाता है, हर्षवर्धन को हरियाणा का शिलादित्य व सम्राट कहा जाता है। हरियाणा का शिलादित्य व सम्राट किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हर्षवर्धन, शिलादित्य व सम्राट हर्षवर्धन। लेकिन विक्रमादित्य हरियाणा का विक्रमादित्य तो वो कुछ और रहेगा दोस्तों, हमारा विक्रमादित्य एमचंदर एक ही, हरियाणा का विक्रमादित्य, विक्रमादित्य रहेगा एमचंदर, एमचंदर एमू। इनका संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था। और इसके बाद आ गया था दोस्तों हर्षवर्धन, ये था दोस्तों हमारा वर्धन वंश, वर्धन वंश के जो मान शासक थे हर्षवर्धन, उसके हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईसा पूर्व नर्मदा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो दोस्तों ये था वर्धन वंश का, हरियाणा का इतिहास कम्प्लीट हो चुका है। इसमें दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।